29 अक्टूबर, पिछले 24 घंटा में सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर था। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में भी सिग्निफिकेंट ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही हमारा स्वाभाविक से प्लस माइनस वन टू डिग्री का अंदर में ही है। लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर हमारा प्लेन्स एरिया में फुलवानी में था 13.5 डिग्री सेल्सियस, और भुवनेश्वर सिटी में टेम्परेचर था मैक्सिमम कल 31.8, आज मिनिमम सुबह था 20.0 डिग्री सेल्सियस। अभी अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, अगला 2 दिन आज और कल 29th और 30th सभी जगह में ड्राई वेदर रहेगा। 31st में भी मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा, केवल मलकानगिरी कोरापुर डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में लाइट रेन हो सकता है। 1 नवंबर में मलकानगिरी कोरापुर रायगढ़ गजपति गंजाम कालाहांडी कंधमाल नवरंगपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके बारिश हो सकता है, और बाकी मोस्टली ड्राई वेदर रहने का ही चांसेस है। 2 तारीख में भी हमारा मलकानगिरी कोरापुर नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में बारिश हो सकता है, बाकी सभी जगह में मोस्टली ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आफ्टरनून में पार्टली क्लाउडी, बाकी मोस्टली मेनली क्लियर स्काई रहने का ही चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर 31 के आसपास, मिनिमम टेम्परेचर 20 के आसपास रहने का चांसेस है।